समय का सबसे बड़ा सरीसृप है कोमोडो ड्रैगन। ये एक तरह की छिपकली है, छिपकली है। आई भागा बबुआ मर जी तो अब काट लेगा तो मर जाएंगे, बहुत जहरीला है ये, बहुत जहरीला होता है। कौन? कोमोडो ड्रैगन। अच्छा ये इतना सीधा जीवन है कि इससे कोई दूसरे जानवर डर के भागते नहीं। देखिए यहाँ पर ये भैंस है, भैंस वह देख रहे हैं लेटी है। अब इसको खाना चालू करेगा, एगो ये खाएगा एगो ये खाएगा। ये सब जो होते हैं सब ना जहरीले होते हैं सब। अच्छा छोटे होते हैं सब, जानवरों को आइडिया नहीं है। और ये पानी वाले जगह पे रहेंगे सब, या ऐसे घूमते रहेंगे सब, कहीं कहीं पानी में रहेंगे सब। कोई जानवर अगर चल रहा है ना तो उसके बगल से जाएंगे सब, उसके पैरों पर काट लेंगे सब। जैसे पैर पर काटेगा तो ये ससुरे होते हैं सब जहरीले। क्या होते हैं सब? जहरीले। काटने के बाद दो घंटे बाद ना एक आध घंटे में जैसे जहर फैलेगा वो जीव जो है वो ज़्यादा दूर भाग नहीं पाएगा, उसके पैरों में लकवा मार देगा, समझ में आ गया, और गिर जाएगा। एक दो दिन में उसका शरीर क्या हो जाएगा, मर जाएगा, सड़ के मरने लगेगा। इसके जहर से मरने में एक दिन लगता है, लेकिन ये इंतजार नहीं करते हैं। एक दिन काटा, दो घंटा बाद उसको लकवा मारा तो भागेगा, उसके पीछे पीछे भी जाएंगे सब, चिल्लाएंगे सर ए सुरेश बाबू चलो आओ काट ले लो इनको, उसके पीछे पीछे सब जाएगा सर। उसका जैसे जैसे जहर असर होगा गिर जाएगा, और उसके खाना चालू कर देगा सर। उसको कहेगा तुम कल मरोगे, अभी हम इधर से चालू है, पेट वेट फाड़ के खा रहा है, जिंदे खाना चालू कर देते हैं सर। यहाँ पे पूरा मरने का इंतजार भी नहीं करते हैं सर, खाना चालू कर देता है। ये ज़्यादातर इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं। और चाइना में तो गलती से भी मर जाना बाबू चाइना में गलती से भी अगर चल गया था मत पूछिए भूज भाज के इसको क्या कर जाएगा सर, खा जाएगा सर। ये मगरमच्छ है, और एगो इसका नोकिया मुँह पतला रहता है, घड़ियाल होता है ये। ये देखिए ये क्या है, घड़ियाल। इसका मुँह पतला रहता है इसे, यहाँ ये क्या हो गया, घड़ियाल। अब ये उतना खतरनाक नहीं हो पाते हैं सर, रीजन मुँह पतला है, बड़ शिकार को गर्व नहीं करेगा, मछली उछली पकड़ के खा जाएगा यहाँ पर। ये हो गया घड़ियाल। आई ससुरा, इसका मुँह तो बड़ा है, पूरा का पूरा आदमी घोट जाता है, पूरा का आदमी। अच्छा इसकी खराबी, बहुत खतरनाक साथी होते हैं सर, ये सब पानी में छुप जाते हैं सर, पता नहीं चलता है। अब पकड़ने के बाद इनको पता है कि पहले आदमी को घींच के लाओ कहाँ पे, पानी में, आधा दिमाग काम नहीं करेगा। अब पनिया में खींचने के बाद ये जो होता है ना पनिया में, पहले पकड़ लेगा दांत से, अब इसका शिकार इतना खतरनाक, पकड़ने के बाद 8-10 राउंड ऐसे घूम जाएगा। अब सोचिए ना, आप किसी का हथवा पकड़ लीजिए, 8-10 राउंड ऐसे घूम जाइए, हथवा नहीं टूट जाएगा तो ये पनिया में लेके पहले तो उतर जाएगा, और अंदर में 2-3 राउंड मार देगा, छोड़वे नहीं करेगा, पनिया में लेके धंसा देगा, जाए धंसा देता है, मर जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर करिएगा। एगो हिप्पोपोटामस होता है, हिप्पोपोटामस भौंस ऐसा होता है, उसका चमड़ा एकदम मोटा होता है, ये चाहता तो उसको भी खा देता, लेकिन उसका चमड़ा इतना मोटा है कि वो खाइए नहीं पाता इसको, समझ गया। तो ये सब हिप्पोपोटामस से दुश्मनी नहीं करता है। और समुद्र में तो कोई भी जीव को पानी तो पीना ही है, जहाँ पानी पीने आ गए मार के ख़त्म करके खा जाते हैं सही सब। और चाइना में इसी को खा जाया जाता है, चाइना में इसके बच्चे को पाला जाता है, और जो एकदम बतिया होता है, बतिया समझते हैं, ये तो पूरा जुआ गया है, बतिया मतलब छोटा बच्चा, जब वो छोटा रहता है बतिया यहाँ पे, तो उतने साइज का रहेगा रेस्टोरेंट में, और उसके मुँह पर टेप बन ले रहते हैं सब, और खरीदने को जो जाएगा ना कहेगा देखो जिंदा है, देखा ना जिंदा है, उसको खौलते तेल में सीधे डाल देगा सर। वहाँ पे जिंदा किसी चीज़ को खाने का प्रचलन ज़्यादा है, आप पूरा खा के ख़त्म कर देगा सर वहाँ। एक से एक है सब चाइना वाला यार, कुछ भी खा जाता है सर। थाईलैंड में भी, अब थाईलैंड में भी खा लेता है, वो पूरा एरिया ही वैसा है। साउथ ईस्ट एशिया का जो खान पान है ना वैसे ही एकदम खतरनाक है, समझ में आ रहा है किसी को कोई एनी प्रॉब्लम।